पंचायत क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मधवापुर के मुखिया राजेश कुमार ने सभी 14 वार्ड सदस्यों के साथ पंचायत के विभिन्न विद्यालयों व आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पंचायत के कन्या मध्य विद्यालय मधवापुर, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुम्हार टोल, बीरित गांव स्थित आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 98 का निरीक्षण किया। इधर मुखिया द्वारा पूरे पंचायत कैबिनेट के साथ किए जा रहे इस निरीक्षण की खबर के बारे में पता चलते ही विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं व आंगनवाड़ी केंद्र के सेविका व सहायिकाओं में हड़कंप मचा हुआ है। पंचायत कैबिनेट सर्वप्रथम राजकीय कन्या मध्य विद्यालय मधवापुर पहुंची, जहां सभी शिक्षक तो उपस्थित मिले लेकिन स्कूल परिसर में गंदगी की भरमार मिली। वहीं स्कूल में एकमात्र चापाकल चालू हालत में मिला। यहां शौचालय व मूत्रालय बंद पाए गए, जबकि पुराने दो वर्ग कक्षों को ही मूत्रालय के रूप में प्रयोग किए जाने की बात सामने आई। निरीक्षण के बाद मुखिया कुमार ने HM वीना कुमारी को इन समस्याओं के जल्द निराकरण का निर्देश दिया। इसके पश्चात मुखिया बीरित स्थित आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 98 पर पहुंचे, जहां आंगनवाड़ी केंद्र बंद पाया गया। CDPO से जब इस बाबत जानकारी ली गई तो सेविका के अस्वस्थता के कारण दिल्ली में इलाजरत होने की जानकारी मिली। अंत में मुखिया राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुम्हार टोल बीरित गए, जहां स्कूल समय से पहले ही बंद पाया गया। यहां शौचालय की स्थिति बदहाल अवस्था में पाई गई, जबकि रसोई घर बिना छप्पर के ही मिला। जिसके बाद मुखिया राजेश कुमार ने BEO अवधेश कुमार से बात कर उन्हें इस वस्तु स्थिति से अवगत कराया। हम सवा दो में यहाँ आए तो देख रहे हैं कि स्कूल बंद है। कोई पब्लिक हमें शिकायत की है कि मुखिया जी स्कूल 1.5 घंटा पहले बंद कर दिया गया है। ये शौचालय भी लग रहा हमें कि साल भर पहले भी सही बंद है, साल भर से। और इधर किचन भी टूटा हुआ है, पता नहीं ये लोग कैसे विद्यालय चलाते हैं। केवल पेपर पे ही नजर हमें आ रहा है कि अब विद्यालय चल रहा है। अभी धरातल पे कुछ नहीं दिख रहा। यहाँ कन्या पाठशाला एक स्कूल है वार्ड नंबर 7 में, वहाँ भी हम निरीक्षण करने के लिए गए थे, वहाँ भी बहुत कमी खामियां मिली। हमने प्रिंसिपल साहब से आग्रह किया कि ऐसा ना हो कि हम लोग आप पे कार्रवाई मजबूरन करना पड़े। अभी जो अचानक से आप विद्यालयों का और आंगनवाड़ी केंद्रों का अपने पंचायत क्षेत्राधीन निरीक्षण करना आपने शुरू किया है, तो इसका उद्देश्य क्या है, बताएंगे मुखिया जी? उद्देश्य ये है कि शिक्षा जब तक नहीं आगे बढ़ेगा तब तक हमारा गांव का विकास नहीं होगा। शिक्षा पे पहले ध्यान देना जरूरी है। और हम जब चुनाव लड़ रहे थे उस समय में हम जनता से आह्वान किए थे कि पहला प्राथमिकता मेरा शिक्षा रहेगा, और हमने इस पर ध्यान दिया और देंगे। जब तक शिक्षा सुधार नहीं होगा तब तक हम निरीक्षण करते रहेंगे। मौके पर इनके साथ उपमुखिया कैलाश शाह, वार्ड सदस्य मोहम्मद मजीबुल, अनिल सहनी, संजय कुमार झा, वसीला खातून, अलाउद्दीन शेख, मुन्ना शाह सहित सभी वार्ड सदस्य मौजूद थे।